ये धारावाहिक किसी प्रकार की ऐतिहासिकता का दावा नहीं करता। तत्कालीन परिस्थितियों को दर्शाने के लिए आवश्यक और उचित नाटकीय रूपांतर किए गए हैं। ऐतिहासिक रूप से जोधाबाई के स्थान पर हरकाबाई, हीर कुंवर जैसे नाम इतिहास में प्रचलित हैं। ये धारावाहिक किसी भी सामाजिक परंपरा और पारिवारिक संबंधों का ऐतिहासिक दावा नहीं करता है। इसका उद्देश्य किसी भी समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। आप सबको एक खास ऐलान करने के लिए इकट्ठा किया गया है। मुगल सल्तनत मुश्किल में है। आपके शेरदिल शहंशाह शिकार करते करते जख्मी हो गए हैं। उनकी भी हालत नाजुक है और मुगल सल्तनत की भी। दुश्मनों तक इस बात की खबर नहीं पहुंचनी चाहिए कि शहंशाह की तबीयत नासाज है। होशियार रहिए। महल के अंदर कभी भी कहीं भी कोई अजीब हरकत होती दिखाई दे तो इन आला अफसरों को फौरन आगाह कर दिया जाए। आज वक्त आ गया है मुगल खानदान से अपने रिश्ते का हक अदा करने का और कसम खाइए आप वो हक अदा करेंगे। शहंशाह जलालुद्दीन मोहम्मद शहंशाह की सलामती के लिए जरूरी है कि हरम से ये बात बाहर ना जा पाए। हम सिर्फ खुदा से उनकी सलामती की दुआ कर सकते हैं और कोई भी एक दूसरे से बहस नहीं करेगा। अब तक रुकैया बेगम को इस बात की खबर नहीं है। मलिकाए आजम का ये हुक्म है कि कोई भी उन तक ये बात नहीं पहुंचाएगा। हो सकता है रुकैया बेगम ये बात ना सह पाए और उनका गुस्सा उन पर फूटे जो उन तक ये बात पहुंचाएगा। मलिकाए आजम के हुक्म की तामील ना करने वाले को गुनहगार मानते हुए सजा दी जाएगी। समझे आप लोग? अब कौन कहेगा रुकैया बेगम से कि शिकार के वक्त जोधा बेगम ने शहंशाह की नरनाल में से बारूद निकाला था? क्या जोधा बेगम ने? हाँ, उन्होंने शहंशाह की बंदूक से बारूद निकाल लिया। जानबूझकर निकाल दिया होगा। बहुत खूब। जो काम हमें करना चाहिए था वो जोधा बेगम ने कर दी। बस एक कमी रह गई, नरनाल से बारूद निकालने के बजाय वो बारूद जलाल के सीने में डाल देना था। इस तरह उनका बदला पूरा हो जाता और हमारे मकसद को अंजाम मिल जाता। खैर, जंगल ना सही शाही महल ही सही। जलाल की मौत तय, लेकिन शहंशाह भी जिंदा। कितनी देर तक रहेंगे, कब तक? जलाल खतरे के दायरे में, हमें बस ये देखना है कि खतरे का दायरा बढ़ता जाए। और आज रात जलाल की आखिरी रात। वैसे भी हमें कुछ करने की जरूरत नहीं आदम खान। शाही हकीम की दवा उन पर कोई असर नहीं कर पा रही है। शहंशाह मानने वाले तुम कोशिश करके बाकी क्यों बने? फिर आपको शहंशाह बनाने में आपकी अम्मी जान, वजीर आलिया, महामंगा बहुत मायने रखती। कहीं उन्होंने इसकी खिलाफत की तो? खुशी के मौके पर मनहूस बातें नहीं करते हैं। शाहबुद्दीन, कल मुगल सल्तनत के तख्त पर आदम खान की ताजपोशी, जिसका जश्न हम अभी से मनाएं। मलिका आजम का हुक्म है कि रुकैया बेगम को इस तरह की कोई खबर नहीं की जा सकती। वफादारी दिखाने का यही तो वक्त है। किसी ना किसी को तो रुकैया बेगम को ये बात बतानी ही होगी। सबसे बड़ा वफादार तो होशियार खान ही है, उन्हें ही ये वफादारी निभानी होगी। नहीं, कोई भी रुकैया बेगम के पास ये खबर नहीं पहुँचाएगा। परंतु ये तो उनके साथ अन्याय होगा। मलिका एक खास होने के नाते ये उनका अधिकार है कि ये सूचना उन तक पहुंचे। ये आप क्या कह रही हैं जोधा बेगम? आप रुकैया बेगम को जानते नहीं हैं। हम केवल इतना जानते हैं
ये सत्य उन तक पहुंचना बहुत आवश्यक है, वरना वो हमें से किसी को भी क्षमा नहीं करेंगी। शहंशाह हमारे साथ यात्रा पर गए थे, वहाँ पर उनके साथ कुछ बुरा घटित हुआ है, तो ये हमारा कर्तव्य बनता है कि हम स्वयं आगे बढ़कर उनको ये सूचना दें। हमें रुकैया बेगम से मिलना है। गुस्ताखी माफ हो जोधा बेगम, इस वक्त रुकैया बेगम आराम कर रही हैं। आप उनसे नहीं मिल सकती। हमने कहा ना, हमें उनसे मिलना ही है। सुना नहीं तुमने हमारी बांदी ने क्या कहा? ये वक्त हमारे आराम करने का है, और बिना इजाजत के हमारे ख्वाबगाह में आने की तुम्हारी हिमाकत कैसे हुई, और वो भी इस हालत में? जलाल कहाँ है? वो तुम्हारे साथ ही गए थे ना? कहाँ है जलाल? बोलो जलाल कहाँ है? एक बाघ ने हम पर आक्रमण किया, और वो क्या? वो शहजा, वो क्या? हमारे जलाल सलामत है कि नहीं, बोलो। हाँ, वो जीवित है, पर ये सब हुआ कैसे, बोलो। वो माहिर शिकारी है, तो उन्हें चोट कैसे लग गई? हमने उनकी नर नाल में से बारूद निकाल दी थी। तुमने उनके नरनाल में से बारूद निकाल दी? समझती क्या तुम खुद को? तुम उनकी उम्र की दुआ मांगने गई थी, उनकी मौत का फातिहा पढ़ने? बोलो, तुमने उनकी जान लेने की कोशिश की? हमें लगा कि वो निर्दोष पशुओं का वध कर देंगे, इसलिए तुमने जलाल की जान खतरे में। ये जानवर को बचाने के लिए तुमने जलाल की जान। जलाल आपको ये निकाह कबूल है? कबूल है। आपको ये निकाह कबूल है? कबूल है।
अल्लाह। आंखें खोलिए जलाल, देखिए ना आपकी आपकी रुखैया ये, उठिए ना जलाल, हमसे बात कीजिए जलाल, आंखें खोलिए ना, इस सल्तनत को आपकी जरूरत है, इस हरम को आपकी जरूरत है, हमें आपकी रुखैया को आपकी बहुत जरूरत है जलाल, उठिए ना आपकी जान, देखिए ना ये उठ क्यों नहीं रहे हैं जलाल, उठिए उठिए ना जलाल। ग्वालियर के हकीम साहब को पैगाम भिजवाया था, जितनी जल्द यहाँ पहुंचे उतना ही बेहतर होगा। आने वाला वक्त बहुत ही नाजुक है शहंशाह के लिए, बहुत खून बह चुका है, रुकने का नाम नहीं ले रहा, जख्मों में मवाद आना भी शुरू हो गया है। या अल्लाह रहम कर। लाखों के हाथ शहंशाह के लिए दुआओं में उठ रहे थे, उनके दिलों में मातम था, लेकिन चंद लोग ऐसे भी थे जिनके दिल इस खबर से खुश थे। मुगल सल्तनत के आला औहदेदार शहंशाह की जख्मी होने की खबर छिपाना चाहते थे, पर गुप्तचरों ने अपना काम कर दिया, बात पूरे हिंदुस्तान में फैल गई थी। अच्छी खबरों को फैलाने में भले वक्त लगे, लेकिन बुरी खबरें हवा की तेजी से फैलती हैं। सुना है बाघ ने हमला किया है? कारण कुछ भी हो, यदि जलाल की मृत्यु हो गई तो सल्तनत में अराजकता फैल ही जाएगी। हम केवल इतना जानते हैं कि जलाल की मृत्यु ही हमारे घाव पर मरहम लगाएगी। उसकी मृत्यु भी निश्चित है और सल्तनत में अराजकता भी, क्योंकि जलाल के मित्रों से अधिक उसके शत्रु हैं जो उसकी मृत्यु के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। तो आओ हम सब भी प्रार्थना करें कि जलाल के शत्रुओं की प्रार्थना स्वीकार हो। दादी साहब, सुजामल भाई साहब की चिकित्सा के लिए चुगताई खान जी ने जो हकीम भेजे हैं, हम उनकी सहायता के लिए जाएं? वो बहुत योग्य वैद्य हैं, उन्हें तुम्हारी सहायता की आवश्यकता नहीं है। परंतु हमें जड़ी बूटियों के विषय में जानना है। क्यों जानना है? क्यों नहीं, चीते के पंजे के घाव से भाई साहब घायल पड़े हैं, हम जानना चाहते हैं कि ऐसा कौन सा लेप है जो चीते के पंजे के भयंकर घाव को भी ठीक कर सकता है। दादी साहब, हमारे युद्ध तो होते रहते हैं और युद्ध में घायल हमारे सैनिकों की चिकित्सा की विधि जानना कितना आवश्यक है, उनकी सुरक्षा हमारा कर्तव्य है ना। तर्क करने में थारे से कोई नहीं जीत सकता, जा जा अनुमति दे दी। जोधा, अच्छा मम्मी जान आप स्वयं ही आ गई, हमने शहंशाह के लिए लेप तैयार किया है, हमें विश्वास है कि लेप उनके घाव को शीघ्र भर देगा। चंदा, ये मरहम जाकर हकीम साहब को दे आओ, कहना जलाल के जख्मों पर लगा दे और कहना कि हमारा हुक्म है। हमें विश्वास है कि लेप अवश्य काम करेगा। खुदा करे कि ये मरहम काम करे जोधा, क्योंकि अगर ऐसा नहीं हुआ और खुदा ना खास्ता जलाल को कुछ हो गया तो तुम्हें गुनहगार समझा जाएगा, तुम्हें गद्दार माना जाएगा। इस वक्त खतरे से बाहर ना ही जलाल है और ना ही तुम, हो सकता है कोई बांदी तुम्हारा कत्ल कर दे, क्योंकि तुम्हारी वजह से उसके बादशाह खतरे में है।
सकता है। कोई बेगम तुम्हें इसलिए जहर दे दे क्योंकि तुम्हारी वजह से के शौहर की जान पर बनाई है। हो सकता है तुम्हें गद्दार मानकर कोई सिपाही तुम पर हमला कर दे। तुम्हारी वजह से उसके सरपरस्त शहंशाह आज मुश्किल में है। तो ले लेने दीजिए ना हमारे प्राण अम्मी जान, हमारे कारण किसी के मन को तो शांति मिलेगी। जब वो मान ही चुके कि हम अपराधी हैं तो हमें मर जाने दीजिए ना अम्मी जान। हमें अम्मी जान कहती हो और चाहती हो कि तुम्हारी जान को खतरा होने दे। हम एक माँ अपनी जान पर खेल कर भी अपने बच्चों की हिफाजत करती है जोधा। तुम सिर्फ हमारी बहू नहीं हमारी बेटी हो। जलाल की तरह तुम्हें भी खतरे में नहीं देख सकते हम। दुआ करते हैं कि जलाल जल्द दुरुस्त हो जाए। लेकिन जब तक ऐसा नहीं होता तुम यहीं इसी होजरे में रहोगी, यहां से बाहर नहीं जाओगी। कॉलेज से हकीम साहब अभी तक आए क्यों नहीं? महामंगा जी, ये जड़ी बूटी हमीदा बेगम ने भिजवाई है शहंशाह के लिए। जोधा बेगम ने इसे तैयार किया है जिसकी वजह से जलाल की यह हालत हुई है उस पर अब भी यकीन है मलिका आजम को। बेहतरीन दवा है, दवा का असर दिखाई दे रहा है, खून बहना भी बंद हुआ है। हाँ क्या हुआ हकीम साहब, आपने हम सबको यहाँ आने का पैगाम क्यों भेजा? हकीम साहब, जलाल ठीक तो है ना? जोधा बेगम के बनाए हुए मरहम से खून तो रुक गया था ना? जी हुजूर, लेकिन इस दवा की वजह से कुछ और भी असर हुआ है। शहंशाह का बुखार और भी बढ़ गया है, जिस्म आग की तरह तप रहा है। ठंडे पानी की पट्टी के बाद भी बुखार कम होने का नाम नहीं ले रहा। अगर यही हाल रहा तो शहंशाह के लिए। हर बार जोधा बेगम हमारी तकलीफ की वजह बनती है। पहले उनकी वजह से शहंशाह की ये हालत हुई, कह रहे ना अम्मी जान ये सब उनका ही किया हुआ है, ये सब उन्होंने जानबूझ कर किया है। अवस्था की माफ़ो मलिका आजम, लेकिन आपको बेगम जोधा को शहंशाह का इलाज करने की इजाजत नहीं देनी चाहिए थी। न जाने उन्होंने दवा में कौन सा जहर मिलाया होगा। शहंशाह की दुश्मन है ना वो, नफरत करती है ना शहंशाह से, इसीलिए आज उनकी ऐसी हालत।
अदगा साहब, ग्वालियर से जो हकीम आने वाले थे वो कहाँ है? अब तक पहुँचे क्यों नहीं? हकीम साहब धौलागिरी का पड़ाव पार करते हुए आगरा की ओर बढ़ चुके हैं। हकीम साहब, अब शाही हकीम, आपका फर्ज है शहनशाह को ठीक करना। आपको जिस किसी चीज की जरूरत हो हम यहाँ पर मंगवा देंगे। आप यूँ हाथ पे हाथ धरे नहीं बैठ सकते। आपको जलाल को बचाना होगा हकीम साहब। हकीम साहब आप ऐसे मत देखिए हमें, हमें बहुत डर लगता है। हम आपके सामने रहम की भीख मांगते हैं, हमारे बच्चे को बचा लीजिए। हकीम साहब खुदा के वास्ते हमारे बच्चे को बचा लीजिए, कुछ भी कीजिए। अब तो खुदा का ही सहारा है। या अल्लाह। हमें जो करना था हम कर चुके। किसी दवा का कोई असर नहीं, शायद दुआ ही असर करे। या मेरे परवरदिगार, इनकी जान बख्श दे मेरे मौला।